आपकी वोट किसको है? मैं तो मायावती पे जाओगी। और प्रधानमंत्री बना रहे तुम कांग्रेस का, उसका समर्थन करेंगे ना फिर? वो तो अलग लड़ रही कैरीम, उसने तो कह दिया ये तो स्वार्थ का गठबंधन है, मैं तो अकेली चुनाव लड़ूंगी, जितने लोग हैं ये सारे स्वार्थी हैं। मायावती ने तो बोल दिया। जो भाजपा राशन पानी दे रही, क्या राशन ही दे रही, रोजगार दे रही? एक सेकंड जी, क्या गरीब आदमी को राशन मिला खाने को, और क्या चाहिए? करोगे सस्ता? हाँ सस्ता करेंगे, सरकार बदल के। सरकार बदल के तो कौन सी सरकार है जो सस्ता कर देगी? हाँ मैं आदमी झाड़ू की सरकार। लो जी झाड़ू वाले भी आ गए, आप कहते बसपा सपा या तो झाड़ू। अरे भाई हाँ जी, सब साफ होगा झाड़ू बाबा जी। 2024 में मोदी सत्ता में बैठेंगे नहीं बैठेंगे फैसला तो जनता करेगी, विपक्ष में कितनी दमदारी है या नहीं है, या फिर से तीसरी बार भी मोदी पर ही जनता विश्वास जमाएगी, इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या सोचते हैं। क्या नाम पड़े आपका? मेरा नाम सुनहर है जी। जी सुनहर। सुनहर हाँ जी, क्या देख रहे 24 में आप, चुनाव फिर आ गए? जी हम क्या दिया, हमने कह दिया मतलब परमात्मा जाना है वो सब चीज बस। अच्छा। हाँ जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं, वही मालिक है पढ़ने वाले ही। आप तो ऐसे ही कह रहे थे फिल्म में देखते हो बाबा जाने मन की बात, अरे बटन तो आप ही को दबाना है। अजी बटन तो जब जाना वहाँ से तो वहाँ अपने आप ही दब जा। अपने आप कैसे दब जाए? दब जा जी, वहाँ बुद्धि बुद्धि खत्म हो जा बस। सोच तो रखा होगा कुछ अभी से, कौन बढ़िया कौन घटिया? कुछ नहीं सोचा जी अभी हमने ना जी। मायावती जी कैसी हैं? मायावती हम क्या कह सकते, मायावती भी ऐसी ही बस, मान लिया तो ऐसी ही मायावती भी। चंद्रशेखर? चंद्रशेखर ठीक है फिर भी बेचारा। मायावती से? हाँ मायावती से ठीक है। अच्छा कमी क्या है? वो तीन बार चार बार मुख्यमंत्री भी रही, काम भी करा था, कुछ नहीं मारा। कह रहे सबसे ज्यादा आप ही का किया। कहाँ कुछ नहीं करा। चंद्रशेखर करेगा? हाँ अगर सत्ता में होगा तो करेगा भी वो बेचारा। आप मान रहे हैं क्या कि दलितों के नेता मायावती नहीं है चंद्रशेखर है, कि मान लिया गए? हाँ मान लिया हमने जी। पक्का? हाँ पक्का। पानी लाओगे पिलाओगे 24 में, क्या करोगे, कौन सी सरकार आएगी नहीं आएगी, सांसद कौन बनेगा कौन नहीं, क्या लग रहा है इस बार? क्या कह सकते भाई, कौन बन जाएगा, हम तो वोट देनी किसको दे भाई, हम तो आते हुए देख रहे हैं पहले जी भाई, जे जीतते कोई बाकी उसका पता नहीं बनेगा कौन कौन नहीं। अच्छा हाँ यार, हम तो दिहाड़ी करनी है भाई, ये बता देगा भाई नेता है कौन सा। मायावती तो चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि वो तो एसी के कमरे में बैठती है, सड़कों पे संघर्ष नहीं करती, समाज के लिए कुछ पता नहीं, वो हो सका नेता होगा कुछ भी है भाई, ये बता देगा इसके बारे में। तो मैं सेंध मारी करती हूँ मायावती की वोट बैंक जो चंद्रशेखर की तरफ जा रही है इस बार। भाई मैं क्या कह सकूँ, मुझे तो अपनी वोट का पता, मैं दूसरे बारे में क्या कह सकूँ, कौन किसे दे रहा किसे नहीं दे रहा। आपके मन में अभी मायावती है भाई? यहाँ तो जब तक जीवंगा ये बात खत्म होगी, आगे तो चाहे कोई आवे चाहे जावे। अच्छा हाँ, जब तक हो वो छाती पे टलेगी उसकी है, कोई जीते या ना जीते, या ना जीतना, मैं क्या जीत ले, जीपी जीतना भाजपा को यहाँ से, अरे अरे जीपी भाजपा को जीतना। बिजली की नहीं लगाई आपने मशीन? ना जी मोटर यही लगाओगे जी। अच्छा जी, डबल एक्सरसाइज हो रही, पहले खेत चलाना अब ये कहा। हाँ जी हाँ, बस आपकी कृपा है बस मालिक जी। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी? भाजपा को बना जी, भाजपा की तय है जी बिल्कुल, लोग तय हमें से बीच का जी। आप 120 जी? 120% सरकार। राहुल कह रहे कि इस बार तो उड़ गए, इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनी। तो देखो मायावती को ही देवा, और वो गड़बड़ के अब तक कर हो कि नहीं गड़बड़ हुए? हाँ और कहीं देखो, और तो शायद वोट मायावती पे जाओ। चंद्रशेखर भी तो हाँ, तो फिर ना तो पता चंद्रशेखर को पहले भी, ये तो कह रहे कि मायावती को वोट दे, मैं आप बीजेपी को जिता रहे 120% 120% जी भाजपा जीतते जी। वोट किसे दोगे? भाजपा का दूंगा जी, मतलब भाजपा का देगा। और ये इनका मुझे पता नहीं, देखो अपना उसका अधिकार है क्यों जी। मायावती को देवा भाई, मायावती को देवा हम तो वोट। अच्छा हाँ, और ये कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को देंगे, इसकी बात इससे पता, अपने अपने वोट का हकदार हूँ। तो दोनों की वोट अलग अलग है बस। अच्छा उसे ही दे, हम तो मायापति जी भी तो हुई बेचारी मायापति, उसे ही दे वोट तो। आपके घर से ही आपके पति हैं? हाँ। ये बस उसको बीजेपी को वोट करते हैं? नहीं अब कोई देरदार है नहीं, तो मायापति को देवा। अच्छा तो इस बार क्या हो गया ऐसा ही बस? देखो सरकार कोई किसी का काम नहीं करती, तो बस बनावट में हुआ सरकार है, अन्य कोई किसी का काम नहीं करती, यहाँ तो दलदल में पड़े, सहूलत कोई नहीं देती, सहूलत कुछ नहीं। सुविधा मिल गई तो कह रही सुविधा कोई नहीं मिलती, सरकार तो बनती रहती है ऐसे ही। मिला गैस फ्री फंड मिला जी, गैस ही मिला। हाँ जी हाँ, तो ये तो आपको आपको पकड़ लिया कि आप झूठ बोल रही है, कह रही है आप ही के घर में कि हमने तो गैस मिला है।
हाँ गैस तो मिला फ्री कर, ये तो मिला गैस तो अभी जो देख 200 रुपए घटाए दे वोट लेने के मारे सरकार ने। तो नहीं चुनाव आते आते आप इनको बहका लो क्योंकि नहीं बसपा को वोट करनी है, ये तो इसका इसकी दिमाग का सही पता। देखो भाई हमें नहीं पता इस बारे में, ये हमारा आदमी इसकी है भाजपा की वोट है पक्का है जी। अभी ये चुनाव के टाइम कह दे के नहीं, इनके कहने से डर जाओ, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं ना, अपने वोट का अधिकार है सबको, ठीक है जी। नहीं घर की सरकार तो आप ही हो, आप कह दोगे ठीक है, बात तो सही है भाई, अपने ये भी घर की सरकार है तो मेरे तो पहला ये तो मेरे तो पहला। चलिए ये दोनों पति पत्नी है, एक बसपा समर्थक तो एक भाजपा समर्थक, इनकी अलग अलग राय दोनों की, क्या लग रहा है इसका खेल चलेगा 24 में? आपका तो चल लगा, आपका तो कांग्रेस का चलेगा, कांग्रेस का चलेगा, बीजेपी का नहीं चलना, बीजेपी का नहीं चलना, कुछ काम ही नहीं कर रही, बसपा का, बसपा का भी चलेगा, दोनों का चलेगा, नहीं वो तो है ही नहीं कांग्रेस के साथ, वो तो अलग है, तो अलग है उसका अलग चलेगा, अकेब का कांग्रेस ही आओगी जहाँ तक मेरे, बीजेपी नहीं आने की, वो तो ये कह रहे तय ही नहीं कर पाए, इतना बड़ा गठबंधन है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा यही तय नहीं कर पाए, वो तो जो बन जाएंगे अपने आप कर लेंगे तय, वो तो तय कर लेंगे जी, हो जाएगा सारे इकट्ठे वो एक एक, अगर जो एक नहीं आ तो एक के बगैर काम चलनेगा नहीं, चलने का नहीं, ये कह रहे गठबंधन ज्यादा बड़ा है, लोग ज्यादा हो गए, अजी नहीं ऐसा नहीं है। तो आपकी वोट किसको है? भारत मायावती पे जाओगी और प्रधानमंत्री बना रहे तुम कांग्रेस का, उसका समर्थन करेंगे ना फिर, तो अलग लड़ कह रही, उसने तो कह दिया ये तो स्वार्थ का गठबंधन है, मैं तो अकेली चुनाव लड़ूंगी, जितने लोग हैं ये सारे स्वार्थी हैं, मायावती ने तो बोल दिया। भाजपा राशन पानी दे रही, क्या राशन ही दे रही, रोजगार दे रही, एक सेकंड जी, क्या गरीब आदमी को राशन मिला खाने को और क्या चाहिए, राशन राशन तो राशन, रोजगार दे नहीं रही सरकार और क्या चाहिए, कह रहे राशन नहीं ले रहे, क्या राशन दे रही सरकार, तो राशन तो क्या हो रहा है तो बताओ उसमें, लॉकडाउन का तो क्या कह रहे हैं, जब उनकी सरकार है बीजेपी की तो मेरे देते ही, और कौन देता जी, किसी की सरकार दूसरी आई वो भी देगा इस तरह की, पहले नहीं मिल रहा था, ये कह रहे पहले इतना नहीं मिला, अब डबल मिल गया, अब वो डबल तो उसकी वजह दे रहे, अब देख ले आपका डबल कितना देंगे, अरे खून तो चूस लिया सारा राशन राशन तो, क्या कह रहे जी, खून तो चूस लिया सारा राशन राशन तो, जीरा क्या भाव है, सौंफ क्या भाव है, हर चीज चौगने रेट पे है, नहीं है तेल देख लेना, हर चीज चौगने रेट पे है, उस पर भी ध्यान दे रहा है कोई आदमी, बता मुझे कौन दे रहा पब्लिक उस पर महंगाई, सस्ता कौन करेगा, सस्ता तो सरकार करेगी, अजी आप करोगे सस्ता, हाँ सस्ता करेंगे, सरकार बदल के तो कौन सी सरकार है जो सस्ता कर देगी, आम आदमी झाड़ू की सरकार, लो जी झाड़ू वाले भी आ गए, आप कह रहे थे बसपा सपा या तो झाड़ू जी, सब साफ होगा झाड़ू आपकी, बस सहारनपुर में झाड़ू की नहीं आई, जे पाके कहीं ना आइयो, ये कह रहे बीजेपी वाले झाड़ू तो है ही नहीं कहीं, जो 10 साल पहले भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए सरकार बनाई थी झाड़ू ने, आज उनके साथ ही हाथ पकड़ के ऐसे खड़े कर्नाटक में, मेरी बात सुन, झाड़ू की पंजाब में है वहाँ देख ले जाएगा, और यहाँ दिल्ली में है देख ले जाएगा, कितनी सुविधा मिल रही, बताया क्या दे रहे, नाज नाज की सुविधा ना, पिछड़ा गरीब आदमी होगी, बिजली देख लो, बिजली बिल देख लो बिजली का, और वहाँ चलते देख लो बिजली का बिल कर दिया फिर, तो आप इनकी बात से सहमत है क्या, इनकी बात से सहमत है क्या, मैं तो इनकी बात कह रहा, सरकार की बात कह रहा, तो कह रहे आम आदमी के साथ आ जाओ हमारे साथ, फ्री करवा देंगे सब, बसपा छोड़ दो, नहीं बसपा तो छोड़ते नहीं हम, बसपा तो हमारी पक्की है, उसे कहाँ छोड़ देंगे हम, उसे नहीं छोड़ते हम, भाजपा में क्या लेने जाएंगे हम, क्या करें, क्या नहीं दिया आपको राशन, महीने में 2 बार राशन मिला आपको, राशन पे चल जाएगा काम, और क्या लो बताओ, बैठ के बैठ नहीं पड़ गया बीच में, बताओ जब आपको राशन मिला और क्या लो, महीने में 2 बार राशन मिला, ये कह रहे राशन लेने से मना कर दो जब सरकार पसंद नहीं है, हाँ तो मना करता बंद करती क्यों नहीं, इन लोग जाग तो खिचड़ी गवारी पढ़ाए भी रही, जाग तो उन्हें खिचड़ी गवारे जाग तो दे मास्टर पी जा, वो जाकर बजाओ प्लेट बजाओ, पढ़ाता को है नहीं, वो स्मार्टर अपना पुरती रह जा, खिचड़ी चल रही क्या, और क्या चला, खिचड़ी दे और क्या दे, ये कह रहा जी कहाँ चले गए आप, मैं बैठा है आप उठ के चल दिए, ये तो कह रहे स्कूलों में खिचड़ी चल रही, कुछ मास्टर जी खा जाते हैं, कुछ बच्चे प्लेट बजा के वापस आ जाते हैं, एक अक्सर ऐ नहीं पढ़ाया जा रहा, बच्चों को मिल नहीं रहा राशन,
राशन ये कह रहे पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई बच्चे खुद पढ़ेंगे तो पढ़ाई होगी, मास्टर कहे के लिए मास्टर नहीं पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाएंगे क्यों नहीं जी? क्यों ले रहे हैं? कहा क्या सुना है किसी की? सुनेगा किसी की? सुना 60-70 हजार रूपए तनख्वाह ले रही है, क्या करे बताइयो? पढ़ाई बिल्कुल नहीं भेजते नहीं आते तो मुझे पढ़ाते ही नहीं ना, वो पढ़ाते भी तो नहीं भाई। मांगे क्या कह रहे हैं भाई साहब? कुछ लोग भेजते भी तो नए लोग आ गए ऐसे फिर रहे हैं यहाँ पे, भेजते ही भेजते कह रहे हैं कि कुछ तो टाइम, कुछ लोग वहाँ भेजने नहीं चाहते यार, ये कह रहे हैं कुछ टाइम तो खिचड़ी खाने में स्वेटर बुनने में यही टाइम निकल जाए, पढ़ाको ही ना बच्चों को, ये कह रहे हैं। पता क्या यहाँ पे है ना, मतलब खिचड़ी ना खाओ बच्चों को, दूध ना पियाओ बच्चों को, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए बस, जब शिक्षा अच्छी होगी ना तो बच्चा अपने आप ही आगे निकल जाएगा। मिड डे मील बंद होना चाहिए आपके साथ, कुछ बंद हो जाए, खुआ खुआ के लालच दे देगा बच्चों को, गुमराह कर रहे हो, राशन दे देगा फिर कितना दो किसी को, फिर मजदूरी अच्छी होनी चाहिए, आज का रोजगार अच्छा होना चाहिए बस, फ्री नहीं चाहिए कुछ, कुछ भी नहीं चाहिए तुझे, फ्री नहीं चाहिए क्या कुछ भी? फ्री तो क्या दे रही ना, अनाज दे रही, फ्री और क्या दे रही? अनाज उसमें अनाज पूरा पड़ रहा, अनाज 5 किलो अनाज पूरा पड़ रहा, 5 किलो अनाज पूरा पड़ रहा, बता दो हम। तो अब किसके साथ हो फिर यहाँ पे? देखेंगे भी अजान का काम ही हो आगे बढ़ा, और ये भी और बढ़ा आगे किसके साथ जाके देखेंगे अगर भाजपा को देनी वोट। तो यहाँ तो नेता भी आपके भाग दौड़ में श्री बसपा से इमरान चले गए, चल जान तो कोई बात नहीं, चलेगा क्या फर्क पड़ेगा उसका, कोई हो रहा होगा वो, कोई नेता हो रहा होगा, और नेता ये नेता तो भाग गया होगा, जिसका चलती देखा उसमें चढ़ लाए तो। हाँ बसपा की चलती दिख रही है इस बार, ये गाड़ी जाम ही है? नहीं जाम नहीं चलेगी, ये तो इस वजह से चला है उसका, करो मैं अपने पहले कहता जीत गया जी, वो मत जीत गया इतनी उठता था पहले, देखो ना सुनो उसे कह दे बांट दो लड्डू जी, पहले कैसे जीत जाएगा, वोट डले की गिनती होगी तभी तो, अरे गिनती कौन कर रहा है, तो आधे वक्त से पहले भी कर ली वो मशीन आधी खोल ली नहीं खत्ता गेड़ी की। अच्छा हाँ कर दिया, जाओ जीत जाओ तो उन बेचारों विधायक को भगा दे, जाओ हम तो जीत गए, तो गड़बड़ चल रही क्या? हाँ गड़बड़ ही और का सिली चल रही जी, भाई साहब गड़बड़ चल रही क्या? गिनती विनती कुछ नहीं होती, गड़बड़ी है गड़बड़ी है, साफ नहीं चुनाव हो रहे ना। दीपक क्या देख रहे हैं? तो कह रहे भाई मायावती को हम तो वोट देंगे, हारे ही जीते। हाँ ये तो बात है जी सबकी, जो ये हमके साथ है सब, चंद्रशेखर नेता आपका। हाँ जी है, तो फिर उसके साथ क्यों नहीं? वो तो कह रहे सड़कों पे संघर्ष तो मैं ही कर रहा हूँ। अरे वो तो बेकार की बात कर रहे सारी, वही चंद्रशेखर जो बात, वो तो पता नहीं बस नेता बनेगा, वो तो बस इन्होंने सारा काम की, मायावती ने कहते भी वो बेकार होगा काम के साथ, बनने लायक नहीं है क्या? ना ना जी ना, कार कौन सी बढ़िया मायावती के बैठ के मुझे नहीं पता इस बारे में, मेरा किसको करती हो वोट? वोट किसको करती हो क्या? आप तो जैसा देखा हूँ सही देता भाई, तन पट गुहार देख तुझे बताऊंगा भाई, बटन तो खुद ही दबाते होंगे, कौन सा देखना, हाथी दबाना के साइकिल दबाने के हाथ का पंजा ना पता नहीं भाई, मैं तो खंडम करी हूँ, मेरे पास 3 गियर। अच्छा हाँ तो खंडम होती नहीं, बटन दबता है तो मुट्ठा भी नहीं लगता बेटे, मेरे बस का राग नहीं। मोदी योगी नहीं ठीक है क्या? मोदी हाँ बढ़िया, बेचारा ने इतना काम तो कर रखा, क्या कर दिया बेचारा, नाथ नोज दे दिया और क्या हो? दे रहा वो बेचारा दे ही रहा, लोग तो कह रहे इस बार हटा देंगे उसको, हटा देना पर हटा देना था हमें क्या भाई, जनता तो अच्छा अपने रोड चलेगी। अच्छा हाँ तो ये गांव के लोग थे सभी ने बड़ी बेबाकी से राय रखी, तो आप भी लगातार जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ, और इसी तरह अपना बेबाक राय देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार।